नहीं बनाओ। आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर की मशहूर जगह रामकोला मैदान मुजफ्फरपुर में। ये डिज्नीलैंड मेला आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में दो डिज्नीलैंड हैं, एक है जापान में और दूसरा है हांगकांग में। आपको जापान हांगकांग जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुजफ्फरपुर के डिज्नीलैंड मेला में भी आ सकते हैं और आपकी ये आरजू ये ख्वाहिश ये तमन्ना पूरी हो सकती है। ये डिज्नीलैंड मेला रामकोला मैदान जो है घोड़िया बाजार और हरिसभा चौक के बीच में है, तो फिर चलिए और चलते हैं और अंदर के व्यू दिखाते हैं। यहाँ दुकानें जो हैं उपलब्ध हैं और आपको खाने की पीने की पहनने की घर में यूज़ करने की चीज़ें सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी और आप देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए और आपकी ज़रूरत के अतबार से हर चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध मिल जाएंगी। कैसे के जी सर? 70 रुपये पाव है। अच्छा, क्या कोई भी अचार से मछली का 250 ग्राम है जिस 70 रुपये पाव है। कितने किस्म के अचार आपके पास? 26 प्रकार के हैं। खुद बनाते हैं? ये तो आप लोग मिलाई में लगाते हैं। ओनली चीनी और कुछ नहीं? चिली का कलर। चीनी आपको कितने का देते हैं आप? 20 रुपये। खाते देखिए वो देखो, खाते देखिए बम्बई में। ₹100
मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता है। एक आवश्यक सूचना, हमारे मेले के अंदर में जितने भी हमारे दर्शक मेहमान घूम रहे हैं, वो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने पर्स मोबाइल पर विशेष ध्यान देंगे और अपने छोटे बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, ताकि बच्चे दौड़ने के बाद में आपको मेला घूमे और दूसरे को भी घूमने का मौका दे। किसी भी तरह का हुनरबाजी करते हुए जब पकड़े जाएंगे तो प्रशासन के नजर में है और मेले के अंदर में प्रशासन भी मौजूद है, आपको किसी भी तरह से धक्का नहीं जाएगा। इसलिए शांतिपूर्वक घूमे और अपने अखंडता का परिचय न दे। अखंडता का परिचय देने के बाद प्रशासन मेले के अंदर में मौजूद है। तुझको दी जाना प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दी जाना। गाइस तो आपने देखा, मैंने आपको डिज्नीलैंड मेला मुजफ्फरपुर में स्थित है आपको हमने पूरा फूल एंजॉय करवाया, मेला भी दिखवाया, खाने पीने की चीज़ें दिखाई और भी जो यूज करने वाली जो चीज़ें हैं तमाम चीज़ आपको दिखाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और आपको मैंने शुरू में बताया था कि पूरे वर्ल्ड में एक जापान में, एक हांगकांग में डिज्नीलैंड है, ये तीसरा डिज्नीलैंड मुजफ्फरपुर में है। और आप अगर जापान और हांगकांग नहीं जा सकते तो ये मुजफ्फरपुर डिज्नीलैंड जरूर एक दफ़ा आए और यहाँ अगर विजिट करें और फिर हमारे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।